ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसकी साजिश चल रही है, तो इसे दोबारा कोने के लाओ और फिर से यहां से फेंको। इस बाहर इसे इसके सर के बल फेंको। दुआ करते हैं अबू जान कि आपके साथ की भी जाति का हम बदला ले सके पूरे मुगल खानदान से। बेटा हैदर, तुम हर रोज यहां एक बार जरूर आते हो। यहीं से तुम्हारे अब्बा जान अधम खान को शंट। हम यहां इसलिए आते हैं फूफा जान, ताकि हमारे वालिद की मौत हमें हमेशा याद रहे, उनके कत्ल का जख्म कभी ना भरे, नासूर बनकर हमारे सीने में पलता रहे, हमें याद दिलाता रहे कि हमें जलालुद्दीन अकबर से अपने वालिद की मौत का इंतकाम लेना है। हैदर। वलीहद, आप? आदाब। आदाब शहजादे। आदाब। वैसे आपके लिए हम शहजादे नहीं, सिर्फ भाईजान हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ही के बारे में बात कर रहे थे। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। खुश तो हम भी बहुत हैं। हमारे चारों भाई हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे आपको सब याद है? सब याद है, सब कुछ। आप, कुतुब, मुराद और दानियाल, सबकी याद आती थी। पर हमें यकीन है कि आपको सबसे ज्यादा याद शहंशाह की और मरियम उज़्ज़मानी की आती है। शहंशाह जलालुद्दीन, मरियम उज़्ज़मानी, उनको कैसे भूल सकते हैं हम। भाईजान, हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? शायद आपने सुना नहीं, सलीम ने क्या कहा। वो शहंशाह और मरियम उस जमाने को भूल नहीं सकते। तो माँ बाप को याद रखने से क्या हो गया? आपको समझ में नहीं आएगा, किसी को याद करने में और ना भूल पाने में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। ओम श्री म्रीम हिम काली माताए नमः। ओम श्री म्रीम हिम काली माताय नमः। प्रणाम शगुनी बाई। ओम श्री म्रीम हिम काली माताय नमः। जय महाकाली। क्यों आ गया ना हो? जी शगुनी बाई, हमारा सलीम वापस आ गया है। तेरा बेटा नहीं जोधा, मुगल सल्तनत का होने वाला बादशाह आ गया है और अब शुरू होगी उसकी प्रेम कहानी। शगुनी भाई, अभी तो सलीम आए हैं और आप उनकी प्रेम कहानी की बातें कर रही हैं। जोधा बेगम, ये मैं नहीं कह रही,
नियति का लिखा कह रहा है जोधा। अरे वो आया ही इसके लिए है ताकि ये कहानी शुरू हो सके। अरे बहुत जल्द वो अपने प्रेम से टकराने वाला है। वैसे बात तो सही है, हर प्रांत की राजकुमारी, हर रियासत की शहजादी केवल सलीम से संबंध जोड़ना चाहती है, और क्यों ना जोड़े, हमारा सलीम है ही इस लायक। शहजादा सलीम जिंदाबाद, 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 शहजादा सलीम जिंदाबाद। वैसे शगुनी भाई, कैसे राजकुमारी होगी हमारी सलीम की? तो तुम्हें ये लग रहा है जोधा कि तुम्हारा बेटा किसी शहजादी राजकुमारी से प्रेम करेगा? जय मां काली। हम समझे नहीं। अरे जोधा बेगम, समय आने पर तुम सब समझ जाओगी। हाँ जो भी हो, पर उनमें मित्रता आकर्षण तो होगा ही। मित्रता आकर्षण झुकाव जोधा, ये सब आम प्रेम कहानियों में होता है, पर खास प्रेम कहानियां उनकी पहली सीढ़ी नफरत होती है, घृणा तिरस्कार। नफरत, घृणा, तिरस्कार? क्यों जोधा बेगम, अपनी प्रेम कहानी भूल गई तुम? जलाल से प्रेम करने से पहले तुम्हें उसे घृणा थी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सलीम आ गया है और वो भी आ रही है। इतने सालों बाद भी आगरा बिल्कुल नहीं बदला। हम भी ना बदले भाईजान। शहजादा सलीम जिंदाबाद, शहजादा सलीम जिंदाबाद, शहजादा सलीम जिंदाबाद। एक बात याद रखना जोधा बेगम, सबकी आंखें सलीम पर होगी, उनमें से किसी एक पर भी नजर नहीं डालेगा। अरे देखो शहजादे सलीम आए हैं, सुना है 7 साल बाद लौटे हैं आगरा। अरे देखना, देख तो जरा। एक यही तो है जिसे हम कभी नहीं देखना चाहते। इसी की वजह से हमारी जिंदगी में तूफान आया, इसी की वजह से न जाने क्या क्या सहना पड़ा, क्या क्या बदला हमारी जिंदगी में। तू क्या कह रही है नादिरा? वही जो सच है। और हाँ, हमें नादिरा नहीं, अनारकली कह के पुकारा करो। जो नाम इसने लिया था उस तक से नफरत है हमें। हजारों होगी जो सलीम की एक नजर पर मर मिटेगी, और सलीम जोधा बेगम जिसकी नजर पर मरेगा वो नजर या तो झुकी होगी या फिरी होगी। अब निकलो यहाँ से, हमें आगरा एक पल भी नहीं रुकना। काश हम कभी यहाँ आए ना होते। पर हम अम्मी जान इंतजार कर रहे होंगी ना। आओ चलो चलो। ये जो था बेगम, बताइए क्या काम आ गया? क्यों, बिना कारण हम आपसे मिलने नहीं आ सकते? ऐसी बात नहीं, तकलीफ
जो हुकुम शहंशाह। हमारे पास आई जो था बेगम। आप तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही होंगी, आखिरकार आपके बेटे जो आ गए। लेकिन एक बात से हमें हैरत है जोधा बेगम, कि आप अपने बेटे को छोड़कर हमारे पास क्यों आई? आप भी कमाल करते हैं शहंशाह, यूं तो शिकायत करते हैं कि हम अपने बेटे को अधिक समय देते हैं, और जब आपके पास आए हैं तब भी आप हमें ताना मार रहे हैं। शहंशाह, आपने हकीम साहब से मरहम क्यों नहीं लगवाया? इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप? हम अभी आपके लिए लेप मंगवाते हैं। सुनो, उसकी जरूरत नहीं है जोधा बेगम, हम खुद नहीं चाहते कि जख्म कभी भरे। क्यों? जोधा बेगम, ये जख्म निशानी है हमारे बेटे की बहादुरी की, और इसे शान से हम अपने पास रखना चाहते हैं। बहुत फख्र है कि आखिरकार जिस मकसद से हमने हमारे बच्चे को खुद से इतनी दूर किया, वो मकसद पूरा हो गया है कि हमारा बेटा एक बेहतरीन सिपाही बनकर लौटा है। और आप भी खामखा परेशान हो रही थी जोधा बेगम, देखा नहीं आपने कि आपका बेटा आपसे नाराज नहीं था? बचपने में जो कुछ भी हुआ उन सब बातों को भूल कर वो सीधा आपके पास आया, अपनी मां सा के पास। अपनी मासा के पास नहीं, मरियम उस जमाने के पास आए थे सलीम। सुनो, और सबको दीवाने खास में पेश होने का हुक्म दो। अब आप क्या कर रहे हैं शहंशाह? देखिए, आप सलीम को कुछ मत कहिएगा, हम उनकी कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया, वो तो बस मरियम उस जमाने के पद को सम्मान देना चाहते थे। देखिए, बहुत समय बाद सलीम लौट कर आए हैं, आप उन्हें मत डांटिएगा। शांत घराड़ी सा, शांत, हम हमारे बच्चे को डांटेंगे नहीं। फिर हमने शेखू बाबा को दीवाने खास में सिर्फ उसी वजह से बुलाया है जिस वजह से हमने पाटन से उन्हें यहाँ बुलाया है। आप बस देखते जाइए, फिक्र मत कीजिए। जब तक कादिर को होश नहीं आ जाता, उसकी सारी जिम्मेदारियां ये संभालेंगे, उसके सारे काम शहजादे सलीम करेंगे। ये दिन भर सिद्धायां धूप में खड़े रहेंगे, जब तक अपनी मौसी मोती भाई से माफी नहीं मांग लेते। क्या सोच रहे हो भाईजान? तबीयत तो ठीक है? हमारा दम घुट रहा है यहाँ पर, खुलकर सांस लेने में दिक्कत हो रही है हमें। यहाँ तो चारों तरफ खुली हवा है, लगता है सफर की थकान का असर। हकीम साहब को बुलाते हैं? अरे नहीं को तो, तबीयत हमारी बिल्कुल ठीक है, बस इस महल की चार दीवारी में दम सा घुटता है हमारा। यहाँ की ठंडी हवा भी हमें नश्तर की तरह चुभती है। भाईजान, हमें लगता है कि अगर आप पुरानी बातों को भुलाने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा। नहीं भूल सकते कुतुब, नहीं भूल सकते। जब भी इस जगह को देखते हैं ना, तो याद आता है कि किस तरह से तपती धूप में पूरा दिन हमें बिना वजह खड़े होने की सजा मिली थी। और जब भी मरियम उस जमाने को देखते हैं तो याद आता है कि किस तरह से उन्होंने हमें खुद से अलग करके सजा काटने के लिए भेज दिया था। जब भी शहंशाह को देखते हैं तो याद आता है हमें कि किस तरह से उन्होंने खुद के गुरूर को हमारी जान से ज्यादा समझा। हमें रिहा करवाने नहीं आए वो, इसलिए हम उनके फरमान को हमेशा ठुकराते रहे और यहाँ आने से कतराते रहे। ऐसा नहीं है भाईजान, आप 7 साल यहाँ नहीं थे, मगर हम थे। हमने शहंशाह और मरियम उस जमाने की आंखों में आपकी जुदाई का दर्द देखा है। सालों तक मरियम उस जमाने को उसी राह की तरफ देखते हुए देखा है जिस राह से आप यहाँ से गए थे। हमारी बातों पर यकीन कीजिए भाईजान, जो यादें दर्द देना, तकलीफ देना, उन्हें भुला देना ही बेहतर है। कुतुब साहिब बजा फरमाते हैं शहजादे। फरहान, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हम शहजादे नहीं हैं, हमें सलीम कह के पुकारो, हम एक आम सिपाही हैं आपकी तरह, बस। भाईजान, बीती बातों को बुलाने की कोशिश कीजिए। की 1000 बार की, मगर नहीं बुला पाए और ना ही किसी को मुआफ कर पाए।
एक 9 साल के बच्चे को उसके वालिदैन खुद से अलग करते और मैदान जंग में भेज दें, नहीं भुला पाए इस बात को। हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? फिर से मैदान जंग में जाना, वहां हमें ज्यादा सुकून मिलता है। जिस सफर को हमने 7 साल पहले सजा समझकर शुरू किया था, वो हमारी जिंदगी का सबसे सुकून भरा हिस्सा साबित हुआ। हमें सिर्फ सलीम रहना पसंद है। एक आम सिपाही दादी जान के इसरार पर यहाँ पर आ तो गए, मगर अब ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं। शहनशाह से फिर से इजाजत लेकर फिर से किसी मोर्चे पर चले जाएंगे। वलीअहद का इकबाल बुलंद हो, शहनशाह ने सबको दीवाने खास में याद फरमाया है। होशियार, वलीअहद सल्तनत शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं। شاہ ہند نور تخت مغلیہ بادشاہ سلامت جلال الدین محمد اکبر تشریف لا رہے ہیں۔ आज हम बहुत खुश हैं कि इतने सालों बाद मुगल सल्तनत के वलीअहद आज इस दरबार में तशरीफ लाए। जन्नत आशियानी मरहूम शहनशाह हमारे साहब ने एक रस्म शुरू की थी, एक कोशिश की शुरुआत शहजादे भाइयों की मोहब्बत को कायम रखने की, और उन्होंने सल्तनत के हिस्सों को अपने भाइयों अक्सरी इंदाद और कामरान के बीच में बांट दिया। आज इस रस्म को हम निभाएंगे। हम हमारे बेटों को मुराद, दानियल और सल्तनत के वाले शहजादे सलीम को सल्तनत के सूबों और जागीरों को देने का फैसला लेते हैं। बेटा मुराद हमारे पास आए। भाई बहनों में मोहब्बत बनी रहे और सल्तनत के बंटवारे को लेकर उनमें कोई झगड़ा ना हो, इसलिए शहनशाह जलाल ने अपने तीनों बेटे सलीम, दानियाल और मुराद को जागीरें बख्शी। साथ ही बेटियां शकुरुनिसा, आराम बानो और खानम को जागीरें बख्शी। सबकी माएं अलग अलग थी मगर पिता एक ही था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इस ऐलान के अलावा एक और खास बात है जिस वजह से आज हमने दीवाने खास बुलाया है। शेखो बाबा, सबके सामने पेश हूं। हम शहजादे सलीम के वलीअहद होने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से संभाले। दीवाने खास में मौजूद रहकर हमें अपने कीमती मशवरे दें और फिर उस जगह को लें जो किसी वक्त हमारे महरूम खान बाबा बहराम खान की थी। तुड़मल साहब,
माफ कीजिएगा शहंशाह, मगर अभी हम इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हुए हैं।